आपको जगाने के लिए मुन्ना रे जो हो गए उन्होंने मौत शहीदी हुई किसके लिए? आपके लिए। अरे पुरखो अभी जब एमपी में मुता हुआ है एक अपने आदिवासी भाई पे मुता, क्या तुम्हारे सिर पे मुतेगा तब बोलोगे? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ नंगा करा के उसके अंगों के अंदर हाथ डाला, क्या आपकी औरतों आपकी बहनों के साथ ऐसा होगा तब बोलोगे? ये आरबी लोग जितने लोग प्रशासन में बैठे बोल नहीं रहे, राष्ट्रपति भी बोल नहीं रहे, उड़ाता प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे और शासन प्रशासन के चालू पदाधिकारी पर नहीं बोल रहे, तो उनको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलते तो आने वाले समय में वो लोग आपके घर आएंगे, आएंगे ना वो लोग आएंगे आपके घर तो चुता होगा कि मारो उसको। जब आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब आपने क्यों नहीं बोले? उनको हिसाब लो, लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? तुम्हारी माँ और बहनों के साथ ऐसा हो गए तभी बोलेंगे? ये अपने पैर चीर हरण हुआ है मेरे भाइयों। मैं गुजरात से यही बात बताने आया हूँ कि जो ये माहौल भील प्रदेश की चालू है वो भील प्रदेश की मुहिम नहीं, अपने आप को बचाने के लिए मुहिम है, आदिवासियों को बचाने। मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आज मैं आरएसएस से अलग हो गया हूँ। अरे भड़वे जो बीजेपी में है, अरे तुम्हारा बाप आरएसएस में था, आज टिकट गुजरात की मैं दे रहा था और वो भी मुझे नहीं बोल रहे। अरे मैं चला आया हूँ, आप भी चले आओ, वरना तुम्हारी माँ और बहन की भी सुरक्षा नहीं बचेगी। यही मैं बताने आया हूँ। शिला सुखनी गुरु गोविंद की तो आप बड़ा तो आप घाटी साधे बड़ा बकर गाड़ा साधे पानी पौध व्यवसाय पड़ी के व्यवसाय अनाज पड़ी के व्यवसाय अरे अमुक उठाए शिला सुखनी श्रीवारी अरे किनी वारी बिलोनी वारी एक आंटी बॉय मोतीलाल जी के भवरलाल के अरे कोर्ट के सगा भाई है अरे जागो तमे मनखो तो जागी ने बोलो कि हमें जीवता है जे संविधान ना दायरा में जे लोग इनके क्या इनके के संविधान में आलू है संविधान में दिया है इसीलिए हमें ये करना है। अरे संविधान में दिया है उससे क्या था तो संविधान में दिया हक अधिकार संविधान मिटाने वाले ये लोग मिटा देंगे तुम क्या करोगे? नहीं संविधान में हमें क्यों डाला? हम इस लायक थे इस मूल मालिक थे इसीलिए संविधान में है। ये बोलना नहीं चाहिए संविधान में किसी की माँ के किसी की दान में नहीं दिया है हक अधिकार संविधान में दिया है इस मूल मालिक का अधिकार है इसीलिए संविधान में बोलना मत भूलना मत। ये संविधान खलास करने वाले बैठे हैं और हमें बचाने के लिए घर घर से निकलना पड़ेगा। मेरे भाइयों जो मुहिम चली है जो हवा चली है बिलिस्टिंग की बात हुई है उसमें भी आपके लोग और जो लोग चटवे चल रहे हैं सरकार की उसको भी बिलिस्टिंग हो जाएगा। यूसीसी आएगा उसमें भी खलास हो जाएगी और अभी फॉरेस्ट एक्ट आया है वो भी आपके मेरे और आपके छुरी है। मेहरबानी करके आप खत्म करो इस मामले को। सभी को जोहर। मैं गोधरा से ये बात पर रखने आया था एक हो जाओ और उनके साथ भील प्रदेश के साथ हो जाओ आदिवासी परिवार के साथ हो जाओ यही मेरी नम्र अपील है। जोहर जिंदाबाद।